आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन जिंजर टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये खास चाय किस तरह बनाई जाती है। हमने यहाँ पर एक पैन को गर्म किया है। इसमें हम एक कप चाय बनाने के लिए करीब आधा ग्लास पानी ले रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हैं मैंने पानी लिया था, क्योंकि ये चाय जब हम अच्छी तरह खौलाएंगे तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा। पानी मैंने ले लिया है और तीन चार चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, दो तुलसी की पत्तियां ली हैं, तीन चार काली मिर्च के दाने ले लिए हैं और थोड़ी सी अदरक ली है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पहले कूट लूँगी और फिर उनको इस पानी में डालूँगी। अच्छा, मैंने अदरक और काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप चाहें तो एक आध काली मिर्च का दाना कम कर सकते हैं, ज़रा सी अदरक कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा ना करें। और अब इसको अच्छी तरह से हमें खौला लेना है। बात करें अगर इसके फ़ायदों की तो बेशुमार फ़ायदे होते हैं इस चीज़ के। हमारे यहाँ चाय में दूध डाल के बनाया जाता है, पिया जाता है, पर विदेशों में लोग इसी तरह की चाय पीते हैं और उससे ढेर सारे फ़ायदे उठाते हैं। अब अक्सर ठंड के दिनों में या फिर कई लोगों को कई बार सर्दी देकर बुखार आ जाता है, फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में आप ये वाली चाय ज़रूर ट्राई करें। आपको पहली बार में ही काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा इस चाय से इम्यूनिटी जो है हमारी बूस्ट होती है। अब जब ये पानी अच्छी तरह से खौल जाएगा और इसके जो जितने भी रस हैं अच्छी तरह से इस पानी में आपको लगे कि आ चुके हैं, तो हम डालेंगे आधा चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती हमने बहुत कम ली है, क्योंकि ये बिना दूध की चाय होती है और बहुत कड़वापन दे जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल दूध के साथ चाय बनाते हैं उस तरह की चाय पत्ती यूज़ करेंगे तो चाय बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो चाय पत्ती आप जितनी लेते हैं उसकी आधी ही डालें। इस चाय को मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। बात करें इसके फ़ायदों की तो अगर आप रोज़ाना इसका सेवन करते हैं तो आप कई तरह के इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही साथ ये जो अगर आप इसका जब डेली सेवन करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो दुरुस्त होती है, मूड आपका हमेशा खुशनुमा बना रहता है। तो ये तो फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा कई लोग जो डायबिटीज़ होती है वो अक्सर आपने देखा होगा दूध वाली फीकी चाय पीते हैं, तो आप उस चाय को छोड़ के अगर इस चाय को पीते हैं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो होती है उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता है। अब 1 से 2 मिनट तक चाय बहुत अच्छी तरह से खौल चुकी है। ऐसे में मैं इसमें डालूंगी बहुत ज़रा सा चुटकी भर नमक। आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो ना भी डालें। ये इसलिए डाला जाता है ताकि जो कफ की प्रॉब्लम होती है, ज़ुकाम की प्रॉब्लम होती है, वो इस चीज़ से नमक डालने से आपको काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा जब आप थोड़ा सा नमक इस चाय में ऐड कर देते हैं। अब आधा मिनट और इस चाय को हम उबाल लेंगे और अब इस चाय को सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं इसमें हनी को ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें, अगर शहद ना हो तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो चीनी का भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नींबू डालूँगी क्योंकि ये है लेमन जिंजर टी, और नींबू बहुत हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। एक कप चाय में मैंने आधा नींबू से भी थोड़ा कम नींबू था उसको डाला है मैंने। और इसको डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी शहद, ज़रूरत के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हो। और अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो ये हमारी लेमन जिंजर टी बनकर तैयार है, सर्व करने के लिए पूरी तैयार है। इस चाय को बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें और इसे पीने के बाद आपको जो भी महसूस हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।